अभी हम लाल इमली से निकल ही रहे थे और ये यहाँ पे हमको एक बहुत ही खूबसूरत कानपुर का बोर्ड दिख गया। और ये देख के हमको एक मन में ख्याल आया ये कि जितना अच्छा यहाँ पे सुंदरीकरण ये मोहनी चाय वालों ने कर रखा है, काश सरकार भी थोड़ा बहुत इतना ध्यान दे लगती तो ये जो कानपुर की हालत हो रखी है ना ये आज नहीं हुई होती। आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा कि कितना जो है अच्छी तरह से इन्होंने एक छोटा सा रोड के किनारे सुंदरीकरण करा के अपना जो है यहाँ पे एक होर्डिंग लगा रखा है। ये देख सकते हो ये है मोहिनी चाय और ये यहाँ पे एक बड़ा सा चाय का कप बना दिया है और एक आई लव कानपुर का जो है यहाँ पे बोर्ड लगवा दिया है। तो ये है कुछ यहाँ पे, अभी हम निकल रहे थे तो दिख गया तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दें और सरकार थोड़ा ध्यान दे इन सब चीज़ों पर। वैसे होना कुछ नहीं है मुझे पता है लेकिन वीडियो है बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेट्रो का कुछ बहुत अपडेट दे दो, तो मेट्रो का अपडेट ये कुछ ऐसा है कि जैसे मोती झील का जो मेट्रो स्टेशन क्रॉस करके बेना जाबर की तरफ आओगे तो यहाँ से जो मेट्रो का रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। अब ये अंदर साइड को गया है, अब पता नहीं कहाँ गया है। सामने आप देख सकते हो ये है बेना जाबर चौराहा, यहाँ पर जो है पिलर बनने में लगे हैं, काम हो रहा है और काम होने की वजह से लगता है आगे से रोड जो है वो भी डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो है जाल बंधने में लगे हैं और ये बेना जाबर का कुछ इस तरह से हाल है। बारिश हुई थी एक दो दिन तो पानी भरा हुआ है अभी, और ऊपर का देख सकते हो यहाँ तक जो काम है वो हो गया है बेना जाबर पे। और अभी मेट्रो जो है कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे, मोती झील तक तो बढ़िया कंप्लीट हो चुकी है, बेना जाबर तक भी कंप्लीट होने वाली है, लेकिन डाइवर्ट करके जो मेट्रो स्टेशन वो अंदर की तरफ कहीं शायद बनाया गया होगा और उधरी से जो है शायद अंडरग्राउंड जो मेट्रो है वो शुरू हो। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कुछ हालत इस तरह से है, रोड पे गड्ढे हो गए हैं, पानी भरा हुआ है बिकॉज बरसात हुई थी। और अभी क्या है कुछ इस तरह से जो व्यू है वो देखने को मिल रहा है मेट्रो का, और सामने आप देख सकते हो जो है मेट्रो स्टेशन दिख रहा है मोती झील कानपुर का। और कानपुर का मोती झील का मेट्रो स्टेशन जो है वो लगभग कंप्लीट हो रहा है, ऊपर छत वगैरह जो है वो डलना बाकी है। ऊपर का जो छत का जो लगे होते हैं लोहे के एंगल वगैरह वो बन गए हैं और वही छत डलना बाकी है। तो ये देख सकते हो यहाँ से जो रोड है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, यहाँ पर सीढ़ियों का काम जो है हो रहा है, काफ़ी दूर से जो सीढ़ियाँ बन रही हैं तो यहाँ से आगे काम हो रहा है इसलिए वहाँ पे बंद है, तो वहाँ पे जा नहीं सकते। और वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।